मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष की नारेबाजी के चलते लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो सदस्य नारेबाजी में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे चर्चा में भाग लें। जनता चाहती है कि संसद काम करे, तो वहीं राज्यसभा को भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर लोकसभा में चर्चा से भागने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि संसद में चर्चा नहीं कराना भी असंसदीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।